देखिए, आज हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे व्यापार बंधु हैं, उद्योग बंधु हैं, वो लोग जुड़ेंगे। और शाम को 4:30 बजे से ये रैली का आयोजन किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो प्लास्टिक है उसका हम लोग को रोकथाम करना है, और उसको हम लोग को जो डेली लाइफ है उससे बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक रैली चालू करेंगे, जो कि हमारे जो जैन मंदिर है वहाँ से चालू होती हुई जो शास्त्री नगर मार्केट परिसर है वहाँ तक हम लोग रैली लेके जाएंगे। साथ ही कल भी हम लोग का जो मंडी समिति है, जो बाज़ार है, उसमें भी हम लोग ने एक रैली का आयोजन किया है, ताकि एक मैसेज पूरे फिरोज़ाबाद में जाएगा कि आगे से हम लोग को जो प्लास्टिक है उसको यूज़ नहीं करना है, और जो भी बायोडिग्रेडेबल जो अल्टरनेटिव्स हैं उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम लोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या क्या चीज़ें हम बैन करने वाले हैं, मतलब क्या चीज़ें ज़्यादा नुकसान कर जो रही भी हैं? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी प्रतिबंधित आइटम्स हैं उनको हम लोग को पूर्णतः रोकथाम करनी है। शहर के लिए देखिए, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, उसके चलते वो जो भी हमारी नाली है, जो भी हमारी जगह है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, और उसमें धीरे धीरे करके जो पानी जमा होता है, और जो हमारे डेंगू का मच्छर है वहाँ पे उसका जन्म होता है। साथ ही और भी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं कि भाई जो हमारे जानवर हैं वो भी उसको खा लेते हैं, और उसका लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है।